हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को लेकर मैं फिर से आपके सामने हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल और आपका चैनल ओमनीसेंट को आप सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि दोस्तों सब्सक्रिप्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं तो उनका दायरा बढ़े और मेरा भी चैनल और चैनल की जैसा ही अच्छा बने, इसके लिए मैं आपसे सुझाव भी मांगता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि जितने भी सारे टॉपिक से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो हैं वे सभी मेरे चैनल पे आ जाएं, ताकि आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो और आप परीक्षा में सफल हों, मेरी यही कामना है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। कुछ सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसके उत्तर तो ये है। पहला प्रश्न, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था? तो उत्तर है चौथी बौद्ध संगीति में। उसके बाद है दूसरा है, किस प्रमुख उद्देश्य से अशोक ने अपने प्रजा में धर्म का प्रचार किया था? तो उत्तर है बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, मतलब उद्देश्य ही था कि का प्रचार हो, तो धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, अब है दोस्तों तीसरा है, शेर शाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों, उन्होंने काम किया था प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में, जो जिसके वजह से उनको आज भी याद किया जाता है। चौथा है, विजयनगर के राज दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम यात्री कौन था? तो अब्दुल रज्जाक थे। पांचवा है, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? तो जहांगीर। छठा है, भारत में ये व्यापारियों के आगमन सही क्रम क्या है, यानी कितनी है वे, कैसे उनका क्रम क्या है, ये इस पर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है पहला है, पहले सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में, उसके बाद है डच, उसके बाद अंग्रेज यानी अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर और उसके बाद फ्रांसीसी आया था। तो ये क्रम है, एडजेक्ट यही क्रम है दोस्तों, आप इसके स्थापना पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि यही क्रम है इसका सही। और सातवां है, मोहम्मद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? तो 17 बार उन्होंने आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण